हेलो साथियों, कैसे हैं? सुजान एकेडमी में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम लोग अभी वेव ओसिलेशन में चल रहे थे। और वेव ओसिलेशन का हमने फर्स्ट पोर्शन यानी कि पोटेंशियल वेल और स्प्रिंग वाला जो है कि स्प्रिंग अगर मान लीजिए पैरेलल और सीरीज में कनेक्टेड है तो वो वाला जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो हम आते हैं अब क्वेश्चन पे हमारे, और नेक्स्ट है हमारे पास कि अब जो इसके सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल्स हैं उस पर हम जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल्स का मतलब है कि कौन कौन सी जो सिंपल पेंडुलम जो है आपके पास, सिंपल पेंडुलम के सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सॉरी पेंडुलम तो उसका एक एग्जांपल है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के जो एग्जांपल हैं जो आपके कोर्स में है उन पर हम बात यहाँ पे करने वाले हैं, और उनके टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, हालांकि मैं आपको एकदम स्पीड से सोल्व करके बताऊंगा, मतलब उसके कंसेप्ट वाइज, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो आपको जो लास्ट फॉर्मूला आएगा वो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और वो सॉल्यूशन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप मतलब रटने में मेरी तरह थोड़े से कमजोर होंगे, है ना, याद करने में कमजोर अगर जो लोग हैं जिनका दिमाग थोड़ा कम चलता है उनके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे सोल्व भी कर दूंगा, ताकि क्या हो कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप एक मिनट के अंदर उसका आंसर निकाल सके, ना ज्यादा टाइम नहीं देना आपको, उसी हिसाब से मैं इसका सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल के अंदर स्प्रिंग वाला हमने देख लिया था, आज हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम है वो कैसा होगा, तो सिंपल पेंडुलम में क्या है कि आपके पास एक रोड है, ठीक है, एक रोड है या फिर एक स्ट्रिंग है जिसपे आपने एक मास को लटका दिया, तो वो क्या है आपके पास, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, चलिए अब आप जब ऑसिलेशन इसको करवाएंगे तो क्या करेंगे, इसको हल्का सा इधर लेंगे और इसको छोड़ देंगे, ना। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से हल्का सा इधर लेंगे और इसको छोड़ देंगे, तो एम जी जो है वो फोर्स इसमें नीचे की तरफ लग रहा है, यह एंगल कितना है थीटा, और ये जो आपने लेंथ ली है ये लेंथ कितनी है इसकी, वो स्मॉल एल मान लीजिए लेंथ है। तो क्या होगा, इसके ऊपर जब आपने इसको छोड़ा है तो दो तरह के फोर्स काम करेंगे। ठीक है, एक फोर्स जो होगा वो लगेगा आपके इस डायरेक्शन में, है ना, एक फोर्स जो है वो अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो क्या होगा, एंगल कितना होगा थीटा, तो एम जी कोस थीटा। एक फोर्स जो है वो इसके 90 डिग्री होते हुए इस तरफ लगेगा, ये क्या होगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो एम जी जो साइन थीटा है वो क्या कर रहा है, वो ये वो जो फोर्स है एम जी साइन थीटा वाला, अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये एम जी इस तरफ है, ये एंगल थीटा है, ये थीटा भी क्या होगा थीटा, तो ये एम जी कोस थीटा इस तरफ लग रहा है, और यहाँ से अगर हम देखें इसको तो ये हमारे पास क्या है, एम जी साइन, तो एम जी साइन थीटा है, वो क्या कर रहा है, इसको वापस इसकी साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाना चाहता है। ये इसका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा नीचे बना दिया, इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं ना, क्योंकि ये जो बनेगा वो भाई इसके धागे की लेंथ थोड़ी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ इस तरह से लिख देता हूँ, ये हमारे पास एम जी, और ये इसके साथ में अगर इधर जाएँ तो एम जी कोस थीटा, और इधर हम इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो एम जी साइन थीटा जो है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्स, है ना, एम जी साइन थीटा हमारा क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स क्यों, यानी कि प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसको वापस उसकी साम्यावस्था में लेके जा रहा है। तो किस पे हमें फोकस करना है, ये जो एम जी साइन थीटा वाला फोर्स है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है यानी कि जिसको रेस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहेंगे, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल का मतलब क्या है, जो वापस को इसकी इनिशियल पोजीशन ले जाता है, और इंग्लिश में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, वो क्या होगा, विथ एफ इज इक्वल टू माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि ये मोशन इस तरफ कर रहा है, तो मोर्स किस तरफ लग रहा है, इसके साम्यावस्था की तरफ लग रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, मोशन के अपोजिट में क्या है, फोर्स है। तो फोर्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। अब कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या होगी, थीटा स्मॉल, थीटा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अब थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओनली थीटा के। तो वो केस दिमाग में रखना है, ये तभी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगा जब इसका क्या हो, ये जो हम थीटा ले रहे हैं इसको साम्यावस्था से जो इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं वो डिस्प्लेस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, अल्प होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू एम जी, अब एक्स डायरेक्शन मान लीजिए तो इस तरह से लिख देंगे, इक्वल टू माइनस एम जी और थीटा। अब यहाँ से क्योंकि इक्वेशन किस में आ रही है, एक्स में, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या आना चाहिए, इधर एक्स आना चाहिए। यहाँ अगर एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएशन है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये ट्राइंगल ले लीजिए, इस पॉइंट को ओ बोल दीजिए, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए। ठीक है, तो ओ ए और बी,
यस सर। एंगल कितना बन रहा है? थीटा। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन ये कितनी लेंथ एल, कोण इक्वल टू चाप कोण त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। उससे हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो थीटा इक्वल टू ये रख दीजिए वहाँ पे, तो एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, एम से एम कैंसिल आउट, इक्वेशन को पूरा सोल्व कर लीजिए। फाइनल जो इक्वेशन इसकी बनने वाली है वो इक्वेशन बन जाएगी आपके एम डी स्क्वायर एक्स, एम तो हट गया, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी बाई एल एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या करते हैं, जी बाई एल मान लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, हो गई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, जी अपॉन एल आ गई, ठीक है। इसी से हम आगे बढ़ते हैं, टाइम पीरियड क्या होगा, टू पाई अपॉन ओमेगा नॉट, दैट इज टू पाई रूट एल बाई सॉरी हाँ एल बाई जी, रूट एल बाई जी, ये क्या हो जाएगा इसका टाइम पीरियड, जो आपको फाइनल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर ये मास से इस पर डिपेंड है, जो इसका टाइम पीरियड है उसके मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। यानी कि अगर आपने इसकी इतनी लेंथ के ऊपर, इतनी लेंथ के ऊपर दो किलो जो मास है उसको लटका रखा है, इस पर एक किलो को लटका रखा है, दोनों को एक साथ छोड़ा है, तो उनका टाइम पीरियड क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कंफ्यूज करने के लिए बनाया जाएगा वो क्या कहेंगे, क्वेश्चन सुन लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो आएगा तो हर कोई करेगा, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कौन सा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंसेप्चुअल, क्या है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा टाइम पीरियड, तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करते हुए किसी पिंड, है ना एक किलो के पिंड, है ना, कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करते हुए एक किलो के पिंड का टाइम पीरियड यानी कि आवर्त काल 2 सेकंड है, तो उसी लंबाई के दो किलो मास के ये क्या है सरल आवर्त दोलक का टाइम पीरियड होगा, ऑप्शन में होगा 2 सेकंड, 1 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे करके एक डबल एक आधा करके देंगे। तो आप क्या करेंगे कि जब मास डबल करते हैं इसका मतलब क्या होगा, भारी हो गया, तो भारी हो गया तो क्या करेंगे कि टाइम पीरियड तो क्या होगा, घट जाएगा। तो आप क्या करेंगे उसका आधा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मास पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है, दिमाग में रखना, गलती करोगे यहाँ पे लिख लेना, सीधा लिख दो, टी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, टी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, बस ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। हो गया सिंपल पेंडुलम, फटाफट कर लीजिए ये सारी चीज़ें। अगला चलते हैं कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम में क्या फर्क है, कंपाउंड जो पेंडुलम होता है उसके जो अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या होती है, उस पिंड के अंदर से निकलती है, उस बॉडी के अंदर से निकलती है, तो क्या बन जाता है कंपाउंड पेंडुलम, और अगर पिंड के बाहर है तो क्या बन गया, सिंपल पेंडुलम, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो कंपाउंड पेंडुलम में क्या होगा कि मान लीजिए ये आपका एक बॉडी है, ये इसका सस्पेंशन पॉइंट है, जहाँ से आपने सस्पेंड कर रखा है इसको इस तरह से। अब आपने क्या कि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से यहाँ पहुँच गया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था इसका, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, यहाँ से ये सस्पेंशन की लाइन कितनी एल, इसको ऐसे बना देता हूँ, ये भी कितनी है एल, ठीक है। अब क्या होगा, मास जो होगा वो सारा का सारा कहाँ है, एम जी यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद में, अब जैसे ही आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, तो फिर से वो इक्वेशन बनेगी, यहाँ से भी देखिए इस तरह से ये, और एक ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना होगा थीटा, तो ये क्या बना एम जी कोस थीटा, ये क्या बनेगा एम जी साइन थीटा, फिर से वही पॉइंट है, ये जी पॉइंट, कैपिटल एम जी नीचे, एंगल थीटा, कैपिटल एम जी कोस थीटा, रेस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा। तो कौन सा फोर्स है जो इसको इनिशियल पॉइंट पे ला रहा है वापस, एम जी साइन थीटा, ठीक है। कौन सा फोर्स है जो इसको ला रहा है, एम जी साइन थीटा, वो क्या कर रहा है इसको वापस अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर ला रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब क्योंकि यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब देखो इसमें क्या था, उसके अंदर आपके फोर्स का काम था, अब यहाँ क्या है, क्योंकि उसके अंदर से, मतलब जो आपका पिंड है उस पिंड के अंदर से जा रही है ना, उस बॉडी के अंदर से है ना एक्सिस जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ
बनेगा कौन सा, यहाँ बनेगा बल आघूर्ण, है ना, यानी कि टॉर्क रहेगा ना, यहाँ पर फोर्स नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, टॉर्क रहेगा, बस ये दिमाग में रखना, है ना, क्योंकि रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, रोटेशन के अंदर क्या होगा, टॉर्क हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो टॉर्क क्या हो जाएगा, तो बात करते हैं यहाँ पे, तो टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस, अब कौन सा फोर्स है भाई, टॉर्क का मतलब क्या है, टॉर्क आपने जब पढ़ा था, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, तो आप देखिए माइनस साइन में इसलिए लगा क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा रेस्टोरिंग फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, यही होता है भाई, ये क्या होता है टॉर्क, दूरी, बल इंटू दूरी, ये टॉर्क होता है, तो बल इंटू दूरी हम लगा देंगे यहाँ पे, तो बल इंटू दूरी यानी कि अब बल कौन सा है, रेस्टोरिंग यानी कि परचेनिंग बल है, और दूरी यानी कि डिस्टेंस हमारे पास, अब डिस्टेंस कहाँ से, डिस्टेंस हमेशा लेते हैं सस्पेंशन पॉइंट से, जहाँ से वो लटका हुआ वहाँ से फोर्स, तो आप देखिए सस्पेंशन पॉइंट कौन सा है, ये वाला, फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पर, ये इनकी बीच की जो लंबवत दूरी है यानी कि वो कितनी है, एल दूरी है, ठीक है, अच्छा लिख दीजिए यहाँ पे, तो टॉर्क इक्वल टू माइनस, ये कितना हो जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स है वो है एम जी साइन थीटा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है एल, अब फिर से वही कंडीशन लगानी है कि थीटा को क्या करना है हमारे पास, थीटा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, थीटा अगर स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो टॉर्क, ठीक है, अब टॉर्क कैसे लिखेंगे, तो वो होता है आई डी थीटा ओवर, है ना, आई अल्फा लिखते हैं, तो वो क्या लिखते हैं, आई अल्फा, ठीक है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो हम एंगुलेशन कैसे लिखेंगे, इसे डी टू थीटा अपॉन डी पी स्क्वायर से लिखेंगे, इक्वल टू माइनस जी, ये कितना हो गया, एल है और साइन थीटा किसमें लिख देंगे, थीटा में, इक्वेशन बन गई, यहाँ डबल डेरिवेटिव में क्या आ रहा है, थीटा के, तो यहाँ क्या आ रहा है, थीटा, तो इसका मतलब इक्वेशन सही चल रही है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ लीनियर एक्सेलरेशन था, यहाँ क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास है, ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, माइनस चल रहा है ना दिमाग में, इसका माइनस एम जी एल ओवर आई थीटा, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, मेगा नॉट स्क्वायर, तो एम जी एल आई किसके बराबर है, इसके, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो बन गई, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन, ठीक है, अगला अब क्या करना है इसको, अब एक चीज़ और दिमाग में रखनी है कि मेरे पास आई है, ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा कि हमारा जो ओमेगा नॉट है स्क्वायर, उसको क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी एल ओवर आई जो है उसको और आगे थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ठीक है, और कैसे सोल्व करते हैं वो भी देखते हैं, तो फाइनल जो इसके अंदर इक्वेशन बन रही थी वो क्या बन रही थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो थी हमारे पास बी स्क्वायर ये ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, ये इसकी इक्वेशन बनी थी कंपाउंड पेंडुलम की, ठीक है, और जहाँ पे हमने क्या कहा था कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया था, अभी ये आया था हमारे पास कैपिटल एम जी एल अपॉन आई, ठीक है, कैपिटल एम जी एल अपॉन आई, ये इक्वेशन आई थी, अब यहाँ से क्या कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना, क्योंकि आई गिविन नहीं होगा आपको वहाँ पे, है ना, कि जब आपको कोई बॉडी देंगे तो आपको आई गिविन नहीं होगा वहाँ पे, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेडियस ऑफ ग्राइशन यानी कि घूर्णन त्रिज्या में, है ना, घूर्णन त्रिज्या में करना पड़ेगा, तो क्या लगता है कि जो टोटल आपके पास, अभी जैसे मैंने आपको ये बताया था डायग्राम में क्या हो रहा था, ये सिंपल पेंडुलम था, ये सस्पेंडन पॉइंट था, अब जी कहाँ है, यहाँ पर, है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, जो इसका जहाँ पे इसके पूरा का पूरा मास सेंटर्ड है, तो उस वाले पॉइंट से अगर निकलती है ना, उस वाले पॉइंट से अगर मान लो आई वो निकलता है इसका गोल्डन एक्सिस यानी कि ये वाली एक्सिस जो है रोटेशन, तब तो क्या होता है सीधा सीधा एम के स्क्वायर हो जाता, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रही है एक्सिस, तो इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है एल, ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाली स्पीड कितना होता है, एम के स्क्वायर होता है, अब यहाँ से फाइंड आउट करना है इसका मतलब क्या है, यानी कि इसको मैं क्या कहता हूँ आई नॉट, तो यहाँ क्या लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब आई किसके रिस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आई है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एम नॉट प्लस एम एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि जो आपका
जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ से निकलने वाली एक्सिस से अगर आपको पता है तो उसके पैरेलल वाले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले के लिए कितना होता है, एम के स्क्वायर होता है, ठीक है। कितना होता है, एम के स्क्वायर होता है, उसके लिए हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो कितना हो जाएगा, एम के स्क्वायर इक्वल टू एम एल स्क्वायर, आपने इसमें से कॉमन ले लिया तो ये इक्वेशन आपके इस तरह से बन जाएगी। तो वो इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा, उस इक्वेशन में आ जाएगा कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल अपॉन एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट और ये बन जाएगा जी एल ओवर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या करें, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, वो होता है 2π/ω0। तो 2π/ω0 तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ये हो गया 2π/ω0 डिवाइड में नहीं तो ये उल्टा हो जाएगा, रूट के अंदर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एल, ठीक है। तो 2π यहाँ से मिल गया, ठीक है। जी इसके अंदर चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। इस एल को ऊपर भेज दीजिए, एल को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन एल प्लस ये एल स्क्वायर अपॉन एल इक्वल टू एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी। तो सिंपल पेंडुलम से अगर इसको कंपेयर करें, है ना, तो सिंपल पेंडुलम से कंपेयर करें तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, रूट एल अपॉन जी। तो हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल एल लिख देते हैं, और ये जो कैपिटल एल है ये इक्वल टू किसके हैं, ये है के स्क्वायर बाई एल प्लस एल के, और इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ यानी कि प्रभावी लंबाई, हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रभावी लंबाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जो है टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, ये के स्क्वायर बाई एल जो है ना, ये एल अपॉन जी, हालांकि सिंपल पेंडुलम की तरह ही लिखा है, लेकिन सिंपल पेंडुलम में सिर्फ यहाँ क्या होता है, वो धागे की या फिर रोड की लेंथ होती है, और यहाँ क्या है, प्रभावी लंबाई यानी कि इफेक्टिव लेंथ। तो आपको दिमाग में रखना है के स्क्वायर बाई एल प्लस एल, ये एल कौन सा है, ग्रेविटी पॉइंट की सस्पेंशन पॉइंट से लेंथ, ठीक है। ये क्या है, के है उस जो पिंड है, यानी कि जो आपका ये है पिंड लोलक, है ना, इसको कंपाउंड पेंडुलम बोल रहे हैं, इस कंपाउंड पेंडुलम की रेडियस ऑफ ग्राइसल, ठीक है, गुणन त्रिज्या, वो दिमाग में आपको रखना है वहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको लीजिए, आपको दे दिया कि तख्ती है, ये क्या है, तख्ती है, ठीक है, तख्ती है। तो क्या हो जाएगा, डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से सस्पेंशन हो रहा है, इसके लिए पूछ लिया तो के कितना होगा, तो आपको पता है आई कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू, के कितना हुआ, आर बाई रूट टू, ठीक है। आगे समझ में, आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये मैंने आपको निकालना सिखाया है, ये जो चीज़ है के कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको निकालना सिखाया है, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया हमारे पास, कंपाउंड पेंडुलम हो गया। एक सेकंड है ना, मैं देख लेता हूँ। चलिए तो कंपाउंड पेंडुलम हो गया। नेक्स्ट हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं टोर्शनल पेंडुलम, है ना, मरोड़ी दोलक जिसको हिंदी में कहेंगे। तो क्या हो गया, मरोड़ी दोलक टोर्शनल, ठीक है, मरोड़ी दोलक यानी कि टोर्शनल पेंडुलम। अब ये क्या होता है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास क्या है, एक डिस्क है मान लीजिए, है ना, ये डिस्क है, और इस डिस्क में आपने क्या किया, सेंटर के अंदर एक रोड है उसको इस तरह से अटैच करके और उसको लटका दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, टोर्शनल पेंडुलम। अब आप क्या करते हैं, इस डिस्क को जैसे ही हल्का सा रोटेट करते हैं, ठीक है, जैसे रोटेट करते हैं तो इसमें भी क्या होगा, प्रचालन बल होगा उत्पन्न। वो प्रचालन बल क्या करेगा, इसको वापस इधर लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो कोशिश करेगा वापस इधर लाने की, तो उससे क्या निकलेगा आपके पास, कि ये इस तरह से रोटेशन होने, इसका जो है ऑसिलेशन होने लग जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्सनल पेंडुलम। यहाँ पे आपके पास एक चीज़ आएगी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ उसकी, ठीक है। वो सी क्या होता है, सी का मतलब है कि एठन दृढ़ता, इसको क्या बोलते हैं, एठन दृढ़ता यानी कि टॉर्सनल जो है, या इसको कह सकते हैं दूसरा कि प्रति प्रचालन बल प्रति एकांक थीटा, यानी कि प्रत्येकांक कोण, है ना। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि प्रत्यानयन आघूर्ण बल आघूर्ण प्रति एकांक एठन, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन आघूर्ण, प्रत्यानयन आघूर्ण प्रति एकांक एठन। एठन का मतलब क्या है, यहाँ पे कोण है, एठन का मतलब क्या है, कोण। तो इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में लिखेंगे तो रेस्टोरिंग
स्टोर, फोर्थ नहीं है सवाल, क्या है? रेस्टोरेंट स्टोर पर यूनिट एंगल या पर यूनिट टॉर्शन, दोनों भी लिखते हैं ना। तो पर यूनिट एंगल में जो है ये हम इस तरह से इसको डिनोट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक डिग्री कोण घुमाते हैं तो प्रत्यानयन आघूर्ण कितना हुआ? सी हुआ। तो थीटा डिग्री घुमाएंगे तो कितना होगा? तो आप निकाल सकते हैं। तो टोटल आपके पास आघूर्ण होगा, है ना, टोटल टोर। तो टोटल टोर क्या हो जाएगा? माइनस सी थीटा। अगर आप थीटा एंगल से इसको रोटेट करते हैं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा कि एक एक एंगल के अंदर कितना हो रहा है? सी हो रहा है। तो थीटा एंगल में कितना होगा? थीटा इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा। और टॉर्क को किसे डिनोट करते हो आप? टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा आई अल्फा, तो इक्वल टू क्या हो गया? आई डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से इक्वेशन आपकी, है ना, इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई थीटा। और यहाँ से आप क्या करते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है उसको सी अपॉन आई से नोट कर देते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास सिंपल पेंडुलम की इक्वल टू जीरो। तो टाइम पीरियड क्या होगा? टू पाई अपॉन ओमेगा नॉट, दैट इज टू पाई रूट आई अपॉन सी, ठीक है। क्या बन जाएगी? टू पाई रूट आई अपॉन सी जो है ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, है ना, हो गया सॉल्यूशन। तो ये जो है सिंपल सा था, ये मेरे ख्याल से आज तक को पूछा नहीं गया ना पूछा जाएगा। आपके इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? बाईफेजर ऑसिलेशन है, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए, और कंपाउंड पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम है उसके क्वेश्चन तो आपको मिलते ही मिलते हैं, तो उसका आप थोड़ा सा दिमाग में रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बाईफेजर ऑसिलेशन के ऊपर। मैं फटाफट सारे करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको दिमाग में क्या रखना है कि कहाँ पर टॉर्क लेना है, कहाँ पर फोर्स लेना है, वो टॉर्क कैसे लेना है, फोर्स कैसे लेना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, है ना। बाईफिलर ऑसिलेशन हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा। बाईफिलर को जो है थोड़ा सा अच्छे से समझ ले, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है आपके आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। फॉर्मूला है ना, इसका जो फॉर्मूला है उसके आने के चांसेस पूरे पूरे। बाईफिलर यानी कि द्वितंतु और बाईफिलर ऑसिलेशन यानी कि द्वितंतु दोलन, है ना। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? बाईफिलर ऑसिलेशन, द्वितंतु दोलन, है ना, द्वितंतु दोलन। द्वितंतु दोलन का मतलब क्या है कि आप क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, पहले तो एक रिजिड आपके पास स्टैंड है, ठीक है। इस पे क्या करते हैं आप, स्केल जो है उसको इस तरह से आपके पास एक स्केल है, उस स्केल को लटका देते हैं, ठीक है, बांध देते हैं एक तरह से, है ना, यहाँ से, और इसको यहाँ से आपने बांध दिया, ठीक है। ये जो पॉइंट है इनके बीच की दूरी को मैं 2D से डिनोट कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? 2D से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया Q, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। अब ये जो तो ये हमारे पास बाईफिलर जो है इसको क्या कर रहे थे, अभी थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, है ना। तो इसकी जो वो बनने वाली है वो किस तरह से बनेगा, ये ठीक है, ये इस तरह से टिल्ट हो जाएगा। तो अब ये जो पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ पे, और यहाँ से जो ये पॉइंट मिलेगा अपने पास, ये मिलेगा कुछ यहाँ, ठीक है। ये पॉइंट ए था वो यहाँ पहुँच गया, तो ये ए डेस हो गया। ये बी था वो यहाँ पहुँच, ये बी पॉइंट था हमारा, ठीक है, ये यहाँ पहुँच गया, तो क्या हो गया? बी डेस हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये वाला, ये क्या होगा? थीटा। और ये एंगल कितना होगा? इसको मान लेते हैं फाई। अलग अलग एंगल होंगे, समझ पा रहे मेरे बात को? इस तरह से था, ये रस्सियाँ बंधी हुई है ऊपर की तरफ, ये टिल्ट करेगा, तो ये रस्सी में जो एंगल बनेगा वो कितना है? फाई। और यहाँ इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना है? थीटा, है ना। ये एंगल तो कितना है? थीटा। ये इनिशियल पोजीशन, इसको घुमाया तो ये थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ रस्सी पहले कहाँ थी? यहाँ पे। अब रस्सी कहाँ चली गई? इधर चली गई। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना हो गया? फाई। तो ये दोनों हमने एंगल यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि ये जो रस्सी में टेंशन है टी, वो इस डायरेक्शन में है। सिमिलरली यहाँ रस्सी में जो टेंशन है वो टी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में टी है। ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। अब इसके जब हम कंपोनेंट लेंगे तो ये इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा। एक तो ये हमारा टी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, चलिए इसको ऐसे मिला देता हूँ। ये हमारा टी है,
तो ये एंगल भी कितना होगा, फाइव होगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ये इस तरह से है ना, ये एंगल कितना है फाइव, इसमें टेंशन कितना है टी, तो ये एंगल भी कितना हुआ फाइव। तो इसका जब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा, टी कोस फाइव आ जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा ये वाला, तो ट्राइंगल में देख लीजिए, ये क्या होगा टी साइन फाइव होगा। ठीक है ना, अगर ट्राइंगल फॉर्म में देखते हैं तो आप इसको यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, तो अगर ये टी कोस फाइव है तो ये कितना होगा टी साइन फाइव, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इस डायरेक्शन में जो इस पर लगने वाला है वो कितना है टी कोस फाइव, तो टी कोस फाइव को इधर ला रहा है। सिमिलरली इधर क्या होगा, ये टी है, यहाँ से फिर आप एक बनाओगे एंगल। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर में थोड़ा सा चेष्टा करना पड़ेगा इसको, है ना, थोड़ा सा क्या होगा ये तिरछा जाएगा, ये यहाँ से क्या मिलेगा आपको टी कोस फाइव, इधर क्या जाएगा टी साइन फाइव। ठीक है, तो ये जो टी साइन फाइव है वो क्या करेगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये जो टी साइन फाइव है ये इसको जलाएगा, तो क्या बनेगा टॉर्क। ठीक है, क्या बनेगा ये टॉर्क बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ये कोस यहाँ था टी कोस फाइव और ये साइन फाइव। ठीक है ना, कोस फाइव किधर आएगा इस तरफ और साइन फाइव किधर आएगा इस तरफ, तो ये साइन फाइव था जो इसको क्या कर रहा है वापस इस डायरेक्शन में ला रहा है। ठीक है, मैंने कोस लिख दिया था उसको साइन कर लेना वापस। तो ये हमारे पास क्या है बाईफिलर, तो बाईफिलर में क्या हुआ ये इस तरह से ऑसिलेशन करेगा, तो टी साइन फाइव जो है वो क्या कर रहा है, इसके लिए जो प्रत्यानयन बल है यानी कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, इन दोनों का कपल, तो कपल की वजह से क्या बनता है टॉर्क बनता है। तो ये जो टॉर्क है ये टॉर्क क्या करेगा इसको इनिशियल पोजिशन में, या फिर कह सकते हैं कि इसको जो है इसमें अपने हाँ इनिशियल पोजिशन या साम्य अवस्था ना, साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करता है। धागे की जो लेंथ है उसको हम मान लेते हैं L है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है L है, दोनों के बीच की दूरी हमने 2D लिख दी है और कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि अब जो है वो कंपोनेंट, इसको मिटा रहा हूँ मैं, कि स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे। तो देखो मैंने आपको कब कहा, जब भी रोटेशन हो रहा तो हमें क्या लेना है, हमें बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क लेना है। क्या लेना है, बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क लेना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले दो तीन चीज़ें साम्यावस्था में लूंगा, mg जो है वो किससे सेटिस्फाई हो रहा है, mg यानी कि इसका भार, तो इसका भार किससे हो रहा है t cos phi इधर है, t cos phi इधर है, तो इसका मतलब कितना हुआ कि 2t cos phi जो है वो mg को सेटिस्फाई कर रहा है। तो t cos phi इक्वल टू कितना आ गया mg by 2, एक तो ये कंडीशन हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ये किससे करी, mg नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, ऐसा और दीजिए पॉइंट का नाम है ना, तो ये कंडीशन हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं बल आघूर्ण में, तो बल आघूर्ण कौन सा है ये, है ना, तो बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू माइनस, क्योंकि क्यों रेस्टोरिंग है इसलिए क्या लगाएंगे माइनस माइनस, तो क्या होता है टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है टी साइन फाइव, फोर्स कितना है टी साइन फाइव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब बीच की डिस्टेंस है ना, तो बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या है t साइन फाइव, तो एक है इधर क्या है t साइन फाइव, तो युग्म बना तो कितना हो गया 2t साइन फाइव। ठीक है, अब कहाँ से लेंगे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, जिसके रेस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है रोटेशन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो ये जब पूरी मिला के 2d है ये कितनी हो जाएगी d हो जाएगी, ये कितना हो गया मल्टीप्लाई बाई d, तो कितना मिलेगा ये टॉर्क इज इक्वल टू माइनस 2d t साइन फाइव, फिर से फाइव क्या करना है मान लेना है, तो साइन फाइव कितना हो जाएगा फाइव के इक्वल हो गया, तो टॉर्क इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास माइनस 2d t और फाइव। ठीक है, ये फाइव आ गया, लेकिन ये जो रोटेशन है वो क्या होगा एंगल, यानी कि एंगल में इक्वेशन किसमें बना ली हमने फाइव में बना ली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें इक्वेशन दीजिए किसमें थीटा में, क्यों, क्योंकि जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा आई इंटू थीटा है, भाई ये थीटा एंगल से मूव कर रही है ना, और एंगल फाइव से थोड़ी मूव कर रही है, थीटा में जो चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगी इक्वेशन, ये बनेगी आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2d t फाइव। अब बताओ ये तो थीटा आ रहा है उधर फाई आ रहा है, तो इसका मतलब फाई को कन्वर्ट करना पड़ेगा थीटा में, तो इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें रिलेशन दो तरह के ट्राइंगल बन रहे हैं, ये रिलेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहला जो ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है क्यू में, ठीक है, इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है ये, और पॉइंट कौन से है बी और बी डैश है, यहाँ एंगल कितना है फाइव। ठीक है, ये फाइव बन रहा है बी डैश बी, है ना, ये बी डैश इधर है क्या, ठीक है बी डैश बी, ये एंगल बन रहा है ना,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, और ये कितनी है लेंथ धागे की, वो एल है। समझ पा रहे हैं, धागे की लेंथ कितनी है, एल है, दोनों तरफ से कितनी आ गई, एल लेंथ आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कोण होगा वो क्या होगा, बी बी डैश अपॉन एल, है ना, क्या अपॉन त्रिज्या, ठीक है। तो बी बी डैश इक्वल टू, या फाई इक्वल टू क्या आ गया, बी बी डैश अपॉन ही आ गया सर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं बी बी डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी बी डैश इक्वल टू कितना आ गया, बी बी डैश इक्वल टू आ गया हमारे पास फाई एल आ गया। सिमिलरली अगला देखिए, यहाँ बन रहा है जो ये बन रहा है इस तरह से, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, बी बी डैश, ये कौन सा है, ओ और एंगल है थीटा, बी बी डैश और एंगल यहाँ कितना बन रहा है, ओ पे है ना, सेंटर क्या है इसका, ओ, ट्राइंगल ये बन रहा है, इस ट्राइंगल के लिए एंगल कितना बन रहा है थीटा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा। अब ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो हम कितने मान रहे हैं इसको, डी डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, हैंगिंग वाली डी डिस्टेंस है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग थीटा कितना होगा, चाप अपॉन त्रिज्या, यानी कि बी बी डैश डिवाइडेड बाय डी, ये डी आ गया। तो बी बी डैश यहाँ से कितना आया, यहाँ से बी बी डैश आ जाएगा थीटा डी। अब दोनों को इक्वल रख लीजिए, तो फाई एल इज इक्वल टू थीटा डी, तो फाई इज इक्वल टू डी अपॉन एल थीटा, ठीक है। तो कन्वर्ट हो गई फाई और इसके अंदर रिलेशन, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से अगर देखें तो आई डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू डी टी और डी थीटा अपॉन एल, ठीक है। तो डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू डी स्क्वायर टी अपॉन एल थीटा, ठीक है, डी इंटू डी डी स्क्वायर और टी यहाँ पे है, तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये इक्वेशन बन गई, एम जी छोड़ दिया क्या अपन ने, अच्छा वो रख देंगे, ठीक है, टी में इक्वेशन बन गई। तो अब इसमें क्या होगा, अब टी में और एम जी में हमारे पास ये रिलेशन है, ठीक है, टी में और एम जी में क्या है, ये रिलेशन है कि जो हमारा टी है वो किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं अगली इक्वेशन में कि टी कोस फाई जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर कि यहाँ है ना, जब स्मॉल है क्या फाई है ना, फाई स्मॉल है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, फाई इक्वल टू स्मॉल, तो कोस फाई इक्वल टू वन के, तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी अपॉन टू। तो यहाँ क्या रख देंगे हम लोग, एम जी अपॉन टू जो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जैसे ही हमने इसमें एम जी अपॉन टू पुट किया तो एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया, क्या बना, अच्छा एम जी से एम जी नहीं, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, सॉरी टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा एम जी, यहाँ से बचा डी स्क्वायर और एल थीटा, तो इसका मतलब एम जी डी स्क्वायर अपॉन एल है ना, एम जी डी स्क्वायर अपॉन एल ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मिलेगी इसकी हाँ रख दो यहाँ पे, तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। अच्छा I बचा हुआ क्या इधर से, फाई हाँ ठीक है, I यहाँ चल रहा था ना, तो ये I क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सिमिलरली ये I क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। तो ये जितने भी थीटा के मल्टीप्लाई में है वो सब क्या बन जाएगा हमारा, ओमेगा है ना, तो मैं इधर मिटा देता हूँ इसको, तो यहाँ से इक्वेशन अगर हम आगे बनाएंगे तो हम ओमेगा नॉट स्क्वायर को किसके बराबर लिखेंगे, एम जी डी स्क्वायर बाय आई एल, ठीक है, क्योंकि थीटा की मल्टीप्लाई में जो भी है वो क्या होगा हमारा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, अगर इस इक्वेशन को देखें यहाँ से, ये बन गया डी थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, बन गई इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की। तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होता है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, अच्छा ये टी और ये टी लगे जाने का ना, ये टेंशन वाला टी है, ये क्या है टाइम पीरियड का है, तो इसको मैं इससे लिखूँ, अब दो भी हमने ले लिया तो इसको टी डैश लिख देता हूँ है ना, तो टाइम पीरियड क्या है हमारे पास टी डैश, तो टी डैश कितना हुआ 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट हुआ, ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें आ रहा है स्क्रीन में कोई समस्या नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 पाई और रूट उसका उल्टा हो जाएगा, तो आई एल ओवर एम जी डी स्क्वायर, ठीक है, आई एल ओवर एम जी डी स्क्वायर। अब फिर यहाँ से क्या करें, सिंपल सी बात है, अब इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आई हमारे पास नहीं होता है नॉर्मली है ना, तो हम किसमें कन्वर्ट करेंगे कि आई इक्वल टू क्या होता है एम के स्क्वायर, क्या होता है एम के स्क्वायर, तो टी डैश इक्वल टू टू पाई, ये हो जाएगा एम
के स्क्वायर एल ओवर एम जी डी स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल, तो ये बन गया 2 पाई के ओवर डी रूट में एल अपॉन जी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टाइम पीरियड। तो बाई फ्रीजर का टाइम पीरियड है वो हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, सिंपली बात है, जो हमने सिंपल पेंडुलम में पढ़ा है वो आएगा ही आएगा, 2 पाई इंटू रूट अपॉन जी तो है, उसके मल्टीप्लाई में क्या है के अपॉन डी, एक दिमाग में रखना है। के कौन क्या है हमारे पास, के जो है वो इसकी रेडियस ऑफ ग्रेशन यानी कि घूर्णन त्रिज्या, और डी जो है बाई फ्रीजर की जो बीच की डिस्टेंस है इसका आधा है, यानी कि जो धागों के बीच की डिस्टेंस है उसका आधा होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई समस्या आप आनी नहीं चाहिए बाई फिलर एक्सपेंशन में। ठीक है, सॉरी सस्पेंशन, बाई फिलर अपना ऑसिलेशन है उसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में क्या रखना है, डायग्राम थोड़ा बना के उसको सोल्व करके एक दो बार हाथ से करोगे तो सॉल्यूशन कर पाओगे। और ये बाई फिलर जो है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसमें। ठीक है, वो फॉर्मूला टाइम पीरियड का आपको पूछा जा सकता है, और टाइम पीरियड से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ओमेगा भी। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के बाई फिलर एक्सपेंशन का अपने पास हो गया है। अब क्या बचा है, इसके अंदर जो है आपके अगर आप बुक्स में जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बार मैग्नेट है उसका ऑसिलेशन भी दे रखा है। तो बार का मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में उसको बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं ना, है ना, कि मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, सर इलेक्ट्रिक नहीं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक तो दूसरा वो भी आ सकता है, कौन सा, कि जो आपका डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव ऑसिलेशन करता है उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेट जो है बार मैग्नेट वो भी ऑसिलेशन करती है। तो उसका भी आपका तो वो वहाँ ट्राइवा है, कोई बड़ी बात नहीं उसके अंदर, है ना। और वो अगर क्वेश्चन उसका आता है तो वहाँ से आप उसको देख के सोल्व कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्वेश्चन होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं एग्जाम्पल्स में से कोई एक आएगा। और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और बचता है इसके अंदर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है, उसका रीज़न है। ठीक है, क्योंकि सिंपल जो क्वेश्चंस हैं स्प्रिंग वाले वो तो हम कर जाते हैं, लेकिन जब एक ही स्प्रिंग से दो मास अटैच करते हैं, है ना, उसमें फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगला जो टॉपिक और इसका लास्ट टॉपिक रहेगा इसका अपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का, और वो है ऑसिलेशन ऑफ टू, ऑसिलेशन ऑफ टू मासेस कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग, कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग। ठीक है, ये हम देख लेते हैं कि स्प्रिंग से एक मास कनेक्टेड है तो वो हमने देखा था, लेकिन अगर मान लीजिए एक स्प्रिंग के दोनों एंड पे, ठीक है, एक स्प्रिंग के दोनों एंड के ऊपर हमने क्या किया, मास को अटैच कर दिया, ठीक है, M1 और M2। अब आप इसको दोनों तरफ से खींच के छोड़ देते हो मान लो, तो क्या करेगी वो, इस तरह से ऑसिलेशन करेगा, तो उसका कैसे निकालेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है, साम्य अवस्था है तो इम्पोर्टेंट है ना, जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो इम्पोर्टेंट हो बन जाती है इसके अंदर। और दूसरा क्या इम्पोर्टेंट बन जाता है, कि रिलेटिव उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। रिलेटिव कैसे निकालते हैं, अगर मैं रिलेटिव नाम लेता हूँ तो आप अपने आप समझ जाओगे कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कितना डिस्प्लेस हुआ वो हमें देखना है ना। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा साम्यावस्था थी, ये इसकी साम्यावस्था थी, ये जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना हो गया, x1 हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x2 हो गया। ठीक है, आगे समझ में, अगर ये डिस्प्लेसमेंट x1 और x2 हो गया, खींची हुई स्प्रिंग है, तो फोर्स f1 इस तरफ लगेगा और फोर्स f2 किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। ठीक है, ये भी कोई समस्या नहीं है। अब जो टोटल मिला के इसमें फोर्स f लगने वाला वो कितना होगा, वो कितना होगा, माइनस k। अब इन दोनों का क्या निकालना है, कि टोटल मिला के स्प्रिंग कितनी लंबी हुई। अब जैसे मान लीजिए इसको स्टेबल मान के इसकी देखें तो कितनी लंबाई बढ़ गई, x2 बढ़ गई, इसको स्टेबल मान के इसकी देखें तो कितनी बढ़ गई, x1 बढ़ गई, लेकिन कुल मिला के कितनी हुई, कुल मिला के ये जो मान लीजिए कि ये पार्टिकल है वो यहाँ से कितना डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ से कितना डिस्प्ले हुआ, x2 हुआ, और ये कितना हुआ, x1। तो इसका मतलब ये जब इतना गया तो इतनी स्प्रिंग आगे भी गई है ना, तो कुल मिला के यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, कि स्प्रिंग की जो लेंथ है उसमें कितना चेंज हुआ, तो x2 माइनस x1 जो है उसमें कुल मिला के स्प्रिंग की लेंथ में चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर क्या है, हालांकि मैं डायरेक्ट लिखवा भी सकता हूँ कि जब ऐसे दो मासेज आए तो आप क्या करिए, जो अपनी नॉर्मल स्प्रिंग वाला केस है उसी के अंदर आप इसको सामान्य द्रव्यमान यानी कि रिड्यूस मास से रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन फिर भी हम करके देख लेते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। सॉल्यूशन अगर करते हैं तो इसकी इक्वेशन इसकी इक्वेशन अलग लिखेंगे, फिर उन दोनों को एक साथ करके और फिर इक्वेशन हम बना देंगे इसकी। ठीक है, तो पहले लिखते हैं M1 की। M1 में क्या है, M1 अपॉन T स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना,
ये कितना डिस्प्लेस हुआ उसकी बात मुझे करनी है ना, ये कितना डिस्प्लेस यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन स्प्रिंग खुद आगे खसती है, तो कुल मिला के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमें इसका लेना पड़ेगा। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 - x1, ठीक है। क्या होगा इसका x1 - x2 ना, उल्टा लिखेंगे x1 - x2, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट वाला केस में, अच्छा इसको उससे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा k x2 - x1, प्लस में लिखूंगा तो सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा -x2 - x1, है ना भाई। इसके रिलेटिव देखेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, उसके रिलेटिव देखेंगे तो वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास क्या बनी इन दोनों की इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन को, तो m1 है तो m2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें m2 है तो इसको m1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, m1 m2 x1, ठीक है, माइनस के m1 x1 - x2 - x1, ये प्लस में है, नीचे वाली इक्वेशन लिखी है ना। और इसमें देखूंगा तो m1 m2 x2 / p2 = यहाँ है माइनस में, तो माइनस में k और m1, तो मल्टीप्लाई किससे किया अपन ने, m2 से, तो m2 उल्टा लिख दिया, सॉरी एक सेकंड है ना, इसको m2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये m2 आ गया, इसको m1 से मल्टीप्लाई किया तो ये m1 आ गया ना, पहली इक्वेशन को m2 से, दूसरी को m1 से, तो m1 और x2 - x1, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करिए माइनस, क्योंकि मुझे क्या चाहिए x2 - x1 चाहिए ना, तो इसको माइनस कर देता हूँ। जैसे माइनस करूँगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी कि m1 m2 तो दोनों में कॉमन है इस तरफ, यहाँ क्या हो जाएगा d2/dt² और ये बन जाएगा x2 - x1, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे x2 - x1, एक इससे आगे लिखा मैंने, पहले माइनस करके फिर अलग अलग नहीं किया, एक साथ ही कर दिया। सिमिलरली इधर देखिए, इस इक्वेशन में से इसको माइनस किया तो माइनस किया तो आप क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इधर माइनस लग जाएगा तो माइनस किया गया कॉमन, फिर उसके बाद में क्या कॉमन आ जाएगा, x2 - x1 भी दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, फिर ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा m1 + m2। तो ये कुल मिला के इक्वेशन जो है यहाँ बनेगी वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इससे आगे, है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी, m1 m2 / m1 + m2, ठीक है। और इसको मैं जो है सिंपल x से रिप्लेस कर देता हूँ, तो माइनस k और ये बन जाएगा x, ठीक है। ये m1 + m2 यहाँ लिया, तो कुल मिला के ये क्या इक्वेशन बन गई, ये बन गई μ d2x/dt² और x को मैंने क्या लिख दिया x2 - x1, ठीक है, = -k/, अच्छा इसको म्यू लिखा ना, तो अभी k अपॉन म्यू नहीं करते, ये अगली स्टेप में क्या करते हैं कि d2x/dt² = -k/μ और x, तो यहाँ से ω0² क्या बन जाएगा k/μ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी d2x/dt² = ω0²x, ठीक है, बन गई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की। चलिए प्लस में करके लिख देता हूँ, =0 लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब एक स्प्रिंग से दो मास कनेक्टेड हैं, है ना, एक स्प्रिंग से नीचे दिख रहा है ना पूरा, ठीक है, तो एक स्प्रिंग से थोड़ा सेट कर देते हैं इसको, ये लीजिए, तो एक स्प्रिंग से दो मास जब कनेक्टेड हैं तो उस केस में क्या हुआ कि उस केस के अंदर जो है हमारे पास यहाँ जो मास लिखेंगे वो क्या लेंगे, रिड्यूस मास, जिसे आप बोलते हैं सम्मानित द्रव्यमान यानी कि रिड्यूस मास। तो क्या हो गया इसके अंदर, बड़ा सिंपल सा है ना, तो यहाँ जो हम यूज करने वाले हैं इक्वेशन वो क्या हो गया, ये हो गया μ = m1 m2 / m1 + m2, और इसे क्या बोलते हैं सम्मानित द्रव्यमान यानी कि रिड्यूस मास, ठीक है, क्या हो जाएगा रिड्यूस मास हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से टाइम पीरियड तो लिखेंगे हो जाएगा 2π / ω0 that is 2π, और इसका उल्टा हो जाएगा तो μ/, ठीक है, बस ये दिमाग में आपको रखना है। तो इसको भी आप क्या लगा लेते हैं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, डबल जब स्प्रिंग आ जाएगी ये एग्जाम में आने की संभावना पूरी पूरी है। बाई फिलर की इसकी जो है पूरी पूरी आने की संभावना है एग्जाम के अंदर, कि इसका टाइम जो पीरियड है वो कितना होगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से अलग से है ना, इसके अंदर थोड़ा सा क्या कि सामान्य द्रव्यमान वाला आ रहा है उसके अंदर भी क्या रहा है कंसेप्ट, और दूसरा आ रहा है बाई फिलर में आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में जितना मुझे एग्जाम्पल लेने थे जो आपके हैं कोर्स में, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। नेक्स्ट टाइम जब हम चलेंगे तो मैं देखूंगा कोई क्वेश्चंस वगैरह इसमें रहेंगे तो कराने लायक रहेंगे तो मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा। और जब क्वेश्चंस के बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, कपल्ड के बाद में ये एक दिन में, अब जो नेक्स्ट जो भी मैं करवाने वाला हूँ ना, कपल्ड, उसके बाद में डैम्ड हार्मोनिक, उसके बाद में ड्राइव्ड हार्मोनिक, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने का पोर्शन, समझने का है तो उसके साथ साथ याद करने का पोर्शन भी रहेगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पड़ता है। ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।